असलकुम अवरीमान होप के आप लोग ठीक ठाक होंगे और जो हमने अभी तक रिव्यू किया है वो आप लोगों को समझ आ रहा होगा इससे पहले हमने रिव्यू किया था परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बारे में हम शुरू हुए थे बात करना उससे पहले हमने बात की थी सीक्वेंसेस एंड सीरीज की तो हम वहीं से कंटिन्यू रखेंगे परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन से अगर आपको याद हो तो हमने परमिटेशन कॉम्बिनेशन को रिव्यू किया था तो मैं क्विकली उनको स्लाइड्स को दोबारा से आपको दिखा देता हूं कि अगर एन ऑब्जेक्ट्स हैं डिस्टिंग और उनको हम अरेंज कर रहे हैं एन स्लॉट्स में तो उसका फार्मूला है एन फैक्टोरियल अगर एन डिस्टिंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम अरेंज कर रहे हैं आर स्लॉट्स में उसका फार्मूला है एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल और इसी तरह अगर आपके पास एन ऑब्जेक्ट्स हैं डिस्टिंग नहीं है आर ऑफ देम आर द सेम क्यू ऑफ देम आर द सेम then that formula is एन फैक्टोरियल ओवर पी फैक्टोरियल टाइम्स क्यू फैक्टोरियल टाइम्स आर फैक्टोरियल फिर हमने एक ये फॉर्मूला भी देखा था कि अगर आपके पास एन ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें से आप आर को एक जगह इकट्ठा करना चाह रहे हैं तो आपके पास जो फॉर्मूला बनता है वो है आर फैक्टोरियल टाइम्स n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल और अगर आप n ऑबजेक्ट्स को सर्कल में कहीं अरेंज करना चाह रहे हैं तो उसका फार्मूला है एन माइनस वन फैक्टोरियल और फाइनली हमने कॉम्बिनेशनस का देखा था फार्मूला देर इज ऑप्टेन सिंपली बाय डिवाइडिंग द परमिटेशन बाय आर फैक्टोरियल नोटेशन थी एन सी आर एन ऑब्जेक्ट्स में से आर को हमने कंबाइन करना है एंड दैर फार्मूला इज़ एन फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल टाइम्स एन माइनस आर फैक्टोरियल अब इसके हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं एक ये पहला एग्जाम्पल है एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन है कि इसमें उन्होंने एक मिनी बस का प्लान हमको दिखाया हुआ है उस मिनी बस में सेवनटीन सीट्स हैं जिसमें से अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि पिछली रो में पाँच सीट्स हैं और फिर उसके बाद तीन रोज और हैं और हर एक रो में दो दो सीट्स विंडोज़ के साइड लगी हुई है इस तरह से सेवनटीन सीट्स हैं उसके बाद उसमें यू हुआ कि उस पैसेंजर वैन में इलेवन पैसेंजर्स दाखिल हुए सो so, हमको पता करना है कि हाउ मैनी पॉसिबल सीटिंग अरेंजमेंट्स आर देयर फॉर द एलेवन पैसेंजर्स आप जरा सोचें इसको भी हम करेंगे बट कीप दर इन माइंड ये प्रॉब्लम में सॉल्व करनी है फिर हमें सॉल्व करना है हाउ मेनी पॉसिबल सीटिंग अरेंजमेंट्स आर देयर इफ फाइव पर्टिकुलर पीपल सिट इन द बैक रो यानी कि पांच पीपल तो पीछे बैठ गए अब क्या अरेंजमेंट्स होंगी okay, वो भी देख लेंगे फिर हमने उन्होंने सिलेर दिया हुआ ऑफ द इलेवन पैसेंजर्स फाइव आर अनमेरिड एंड दर सिक्स कंसिस्ट ऑफ थ्री मैरिड कपल्स तो इन हाउ मेनी वेज कैन फाइव ऑफ द इलेवन पैसेंजर्स ऑन द बस बी चोजन इफ़ देयर मस बी टू मैरिड कपल्स एंड वन अदर पर्सन हु मे और मे नॉट बी मैरिड तो ये तीन सनेरियोज हैं जिनको हमें सॉल्व करना है यूजिंग द टेक्निकर्न अबाउट परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन तो आए इनको देखते हैं वन बाय वन कैसे करना है पहला हमें है कि सत्रह सीट्स हैं उनमें हमने कितने अरेंज करने हैं इलेवन लोग सिंपल सा फॉर्मूला है उसमें उन्होंने कोई और रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई हुई तो उसका है सेवन पी 11 Uska formula K 17 factorial divided by 17 minus 11 factorial, which is equal to 17 factorial divided by six factorial. I be Lamb number. I guess as I do these examples, I will leave these uh, things for you as an exercise. तो उसमें आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी फैक्टोरियल नोटेशन के साथ इस्तेमाल करने की कि मैं बहुत सारे आंसर जहां पे अगर छोटे नंबर आ रहे होंगे तो वो मैं आंसर आपको लिख के बता दूंगा लेकिन जहां पे बड़े नंबर आ रहे हैं तो उनमें मैं फैक्टोरियल नोटेशन में आंसर छोड़ दूंगा एंड इट इज़ अप टू यू टू सिंपलीफाइर एंड सी के क्या नंबर बन रहा है सेवनटीन फैक्टोरियल ओवर सिक्स फैक्टोरियल विल बी अ वेरी बिग नंबर ठीक है तो उसको आप सॉल्व करके देखेंगे बट दिस इज द आंसर द गोल इज टू गेट हेयर यहां पर पहुंचने के बाद

चूज हुए उसमें से ठीक है उन्होंने कहा पांच लोग ये पांच बंदे पिछली रो में बैठेंगे पिछली रो में कितनी सीट्स हैं पांच सीट्स हैं तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि उन पांच लोगों की अरेंजमेंट्स क्या होंगी फाइव पीपल इन फाइव सीट्स हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आर देयर फाइव फैक्टोरियल तो उन पांच लोगों की होंगी फाइव फैक्टोरियल बाकी कितने लोग बच गए ग्यारह में से ग्यारह में से लोग बच गए छः और बाकी सीट्स कितनी बच गई सीट्स हैं ट्वेल्व सेवनटीन में से फाइव सीट तो फिल हो गई ट्वेल्व सीट बच गई तो बाकी आपने उन छः लोगों को अरेंज करना है इन ट्वेल्व सीट्स में उनकी क्या परमिटेशन बनती है ट्वेल्व पी सिक्स तो इस अल, अब ये तो दो अलग से आ गई वो पाँच लोग आपने पिछली रो में बिठा दिए उनकी फाइव फैक्टोरियल परमिटेशन बन गई ये जो बाकी छह लोग हैं इनको बाकी बारह सीटों में बिठाना है उनकी ट्वेल्व पी सिक्स फेक्टोरियल बन जाएगी ट्वेल्व पी सिक्स अरेंजमेंट बन जाएंगे अब कोई भी अरेंजमेंट्स जो पिछली रो के लोगों की है दैट कैन गो विद एनी ऑफ द अरेन्जमेंट्स ऑफ अदर सिक्स पीपल तो इसलिए हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं अगर आपको याद होगा हमने मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल भी पढ़ा था तो इसका आंसर क्या आएगा इसका आंसर आएगा पहले वो फाइव फैक्टोरियल लोग जो पिछली रो में बैठेंगे टाइम्स अब बच गए हमारे पास बारह सीट्स और छह लोग तो ट्वेल्व पी सिक्स विच इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल टाइम्स ट्वेल्व फैक्टोरियल डिवाइडेड 6 टोरियल 6, 6 ये भी एक काफी बड़ा नंबर आएगा एंड अगेन दिस आई लीव यू एज एन एक्सरसाइज फॉर यू टू फिगर आउट कि आंसर क्या आ रहा है असल चीज ये है कि आपको ये इधर तक आपने पहुंचना है और वो पहुंचेंगे कैसे आपने उस सनेरियो को एनालाइज करके उसको आपने देखना है कि उसको आप कैसे कर रहे हैं फाइनल उसका जो क्वेश्चन है ये तो पहले दो पार्ट्स हो गए फाइनल क्वेश्चन है इन हाउ मेनी वेज कैन फाइव ऑफ द इलेवन पैसेंजर्स ऑन द बस बी चोजन इफ़ देयर मस्ट बी टू मैरिड कपल्स एंड वन अदर पर्सन हु मे और मे नॉट बी मैरिड हमें बताया कि उसमें ग्यारह में से पाँच लोग जो हैं वो अनमेरिड हैं और जो छः लोग हैं बाकी दे कंसिस्ट ऑफ थ्री मैरिड कपल्स तो आपको पाँच लोग उनमें से चूज करने ग्यारह में से और इस तरह से चूज करने हैं कि आपके पास दो मैरिड कपल्स हों और एक कोई से भी आदमी हो चाहे वो मैरिड हो ना में हो तो दो मैरिड कपल्स आपको चूज करने कितने में से तीन तो तीन कपल्स में से आपको चूज करने हैं प्री सी टू तीन मैरिड मैरिड कपल इज वन यूनिट तो तीन मैरिड कपल्स के यूनिट है उनमें से आपको दो यूनिट चूज करने प्री सी टू आप बाकी कितने लोग बच गए बाकी लोग बच गए आपने दो मैरिड कपल चूज किए तो कितने लोग आपने चूज कर लिए फोर लोग निकल गए ग्यारह में से चार निकल गए सात लोग बचे अब उसमें उन्होंने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई उन्होंने कहा जो पांचवा आदमी हो ही और शी कैन बी अ अ सिंगल पर्सन पर्सन और मैरिड मैटर तो उन सातों में से कोई सभी आदमी हो सकता है तो आपने बाकी सात लोगों में से एक आदमी चूज करना है और उसको फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एनी ऑफ द मैरिड कपल कॉम्बिनेशन कैन गो विद एनी ऑफ दो चूज से अच्छा ये क्या बनता है कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है थ्री फैक्टोरियल

सो so, इसलिए आपको इसमें क्योंकि ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है तो दिस इज अ कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम अब इसको आप कर करने थ्री फैक्टोरियल ओवर टू फैक्टोरियल टाइम्स फैक्टोरियल इज थ्री एंड सेवन फैक्टोरियल और फैक्टोरियल इज सेवन तो देर आर ट्वेंटी जिसमें हम दो कपल्स को और एक और इंसान को सेलेक्ट कर सकते हैं कि उनमें से वो बंदा मैरिड हो या ना मैरिड हो दैट पर्सन तो इसमें आपने देखा कि हमने सनेरियोज देखे और इसमें वेरी इंपॉर्टेंट अगेन आप उसको एक डायग्राम में देख लें कि क्या हो क्या रहा है सिचुएशन को समझें और उसके बाद करें ये मैंने उसमें आंसर्स निकाले जैसे कि मैंने कहा था कि बड़े बड़े आंसर्स आएंगे तो आप अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं पहले पार्ट का आंसर 4.94 पॉइंट नाइन फोर टाइम टेंस टू दावर इलेवन बहुत ही बड़ा नंबर है दूसरे का आंसर आ रहा है ये वाला यू कैन चेक दैट और तीसरे का तो आंसर हमने निकाल चुके हैं ट्वेंटी सो गुड एक्सरसाइज टू चेक दीज आंसर्स आर राइट नेक्स्ट प्रॉब्लम नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमको उन्होंने दिया हुआ है एक वर्ड है रेफ्रिजरेटर इसमें 12 लेटर्स हैं इस वर्ड में और इसमें से कुछ लेटर्स रिपीट हो रहे हैं वो देख लें आप तो उन्होंने हमें कहा कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच ऑल द 12 लेटर्स ऑफ द वर्ड रेफ्रिजरेटर कैन बी अरेंज इफ देर आर नो रिस्ट्रिक्शंस यानी कि कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है अच्छा इसमें तो फिर आपको याद है वो फार्मूला हमने पढ़ा था कि अगर आपके पास एन ऑब्जेक्ट्स हैं और पी उसमें से एक टाइप के हैं क्यू एक और टाइप के हैं तो उसका क्या आंसर था एन फैक्टोरियल ओवर पी फैक्टोरियल टाइम्स क्यू फैक्टोरियल इसमें आप देख लीजिए कि आपके पास ट्वेल्व लेटर्स हैं तो एन इज़ ट उसमें से आप देखें देर आर आर इज़ रिपीटेड फोर टाइम्स अगर आप प्रॉब्लम में देखें आके तो मैं आपको पॉइंट आउट करा देता हूँ यहाँ पर आर 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 एंड आर फोर ऑफ द आरस आर रिपीटेड इसी तरह से ई रिपीट हो रहा है वन ई इज हेयर एंड दर इज दो ई रिपीट हो रहे हैं उसके अलावा कोई और वर्ड रिपीट नहीं हो रहा एफ आई जी ए टी ओ ये सारे डिफरेंट लेटर्स हैं यानी कि आपके बारह में से टोटल बारह लेटर्स हैं उसमें से चार आरस हैं और दो ईज हैं तो इसका पहला आंसर तो इफ़ देर आर नो रिस्ट्रिक्शंस उसका आंसर तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ एक आंसर पहले का वो है 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल टाइम्स 2 फैक्टोरियल ये उस फॉर्मूले के हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड एप्लीकेशन उसकी कर दी अच्छा ये तो पहली बात गई अच्छा पार्ट बी में उन्होंने हमसे पूछा है इफ़ दी आर्स मस्ट ऑल बी टुगेदर यानी कि चार आरस है उनको उनको इकट्ठा ही रखना है हमने तो वो कैसे करना है उसमें आप देख लीजिए अगर हम चार आर्स को निकाल लेते हैं तो हमारे पास ट्वेल्व माइनस फोर एट लेटेस्ट बन रहे हैं ठीक है तो उसमें मैं आपको अगले उसमें पेज पे दिखाता हूं कि मैंने चारों आर्स को इकट्ठा कर लिया इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है आप एक पिक्चर बना लें इनको मैंने इकट्ठा करके इनको कह दिया एक यूनिट बन गया यूनिट वन या इनको यू कह लें कि यूनिट बन गए उसके बाद दो ईज हैं और बाकी मेरे पास है एफ आई जी ए टी ओ एफ आई जी ए टी एन ओ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट अब हमने इन लेटर्स को सारे को Uh, इनकी अरेजमेंट निकालनी है गिवन दैट दिस विल ऑलवेज बी टूगेदर तो ये तो वन यूनिट हो गया तो यानी कि हमारे पास वन यूनिट प्लस एट नाइन यूनिट्स हैं जिनकी हमने अरेंजमेंट्स uh, निकालनी है सो देर इज नाइन फैक्टोरियल अच्छा अब उन नाइन फैक्टोरियल में से इसको तो हम वन यूनिट कंसिडर कर रहे हैं आरस को डिफरेंट नहीं कंसिडर कर रहे हैं। तो फिर हम सिर्फ दो ईज जो है दे आर रिपीटेड यू ई एफ आई जी ए टी ओ ये नौ हमारे पास यूनिट्स है जिनमें से दो रिपीट कर रहे हैं तो डिवाइड बाय टू फैक्टोरियल अच्छा इसमें आप ये चीज़ इंपॉर्टेंट रखें कि दिस इज़ द फाइनल आंसर एक्चुअली नाइन फैक्टोरियल ओवर टू फैक्टोरियल लेकिन इसमें आप एक चीज देखें कि जो चारों आर थे इससे पहले अगर आपको याद हो कि हमने एक फार्मूला रखा था कि अगर एक हम आर यूनिट्स को इकट्ठा करेंगे तो उनकी परम्यूटेशन निकालेंगे और फिर उन आर यूनिट्स की आपस में भी परम्यूटेशन निकालते हैं यहां पर हम वो परम्यूटेशन से उसको मल्टीप्लाई क्यों नहीं करेंगे क्योंकि यहां पे जो हमने चार आर निकाले दे एग्जैक्टली द सेम चाहे मैं एक आर को इधर रखूं दूसरे को इधर रखूं या इन दोनों को बदल दूं अरेंजमेंट में कोई फर्क नहीं आएगा दे लुक द सेम इसलिए वी डोंट मल्टीप्लाईड बाई फोर फिकटोरियल अगर ये चार आर डिस्टिंक्ट आर होते या आदमियों की बात कर रहे होते हम फोर डिफरेंट पीपल तो उसमें दायरे अरेंजमेंट्स होती है उस फिर इस आंसर को हम मल्टीप्लाई करते हैं फोर फिक्टोरियल से तो ये एक बिल्कुल क्लासिकल और टिपिकल सीनेरियो है जिसमें आप देखेंगे कि वी डोंट नीड टू अप्लाई द फार्मूला ब्लाइंडलीफू देन वी विल बी इन ट्रबल अदरवाइज आप इसको समझ के करें तो इसका अगेन आंसर जो आता है वह आप निकालिए कि इसका क्या आंसर आएगा नाइन फैक्टोरियल ओवर टू फैक्टोरियल अच्छा ये तो पहले ही प्रॉब्लम होंगी ए और बी अब उन्होंने हमसे पूछा है पार्ट टू में हाउ मेनी डिफरेंट सिलेक्शन ऑफ फोर लेटर्स यानी कि हमने इन बारह में से चार लेटर सेलेक्ट करने हैं फ्रॉम कंटेनिंग नो आर एंड टू लेटर्स ऐसे सेलेक्ट करने हैं जिनमें से आर तो हम चारों निकाल देंगे और दो ईज जो है दे लाजमी दे शुड बी देर तो अब आप उसकी सिनेरियो क्या बन रहा है आर आपने निकाल दिए बारह में से चार आर निकाल दिए आपके पास बच गए आठ लेटर्स ठीक है उसमें से आपने उन्होंने कहा कि दोनों ईज उसमें आएंगे वो दोनों आपने उसमें शामिल कर लिए ठीक है अब बाकी कितने बचे लेटर्स आपके पास छह लेटर्स बन बच गए ठीक है अब उन्होंने और सलेक्शन पूछी हुई उन्होंने अरेंजमेंट्स नहीं पूछी सिलेक्शन का मतलब है वे टॉकिंग अबाउट कॉम्बिनेशन ओके तो आपने चार आर्स निकाल दिए आपके पास बच गए आठ लेटर्स उस आठ में से आपने फोर लेटर वर्ड्स बनाने अच्छा उन फोर लेटर वर्ड्स में उन्होंने कहा है कि टू ईज शुड ऑलवेज बी देर तो आपने दो ईज फिक्स कर दिए तो अब बाकी बच्ची जगह दो लेटर्स की दो लेटर्स की जगह बच्ची आउट ऑफ सिक्स तो द आंसर फॉर दैट चीज टू सलेक्शन होंगी जिसमें आपके आर नहीं शामिल होंगे और इसमें दोनों ईज शामिल होंगे ये क्या आ रहा है सिक्स फैक्टोरियल ओवर टू फैक्टोरियल ियल इज इक्वल टू सिक्स फाइव टू क्योंकि जो हम इसमें कर सकते हैं. तो इस एग्जाम्पल में आपने देखा कि हमने एक अगेन ब्लाइंडली फॉर्मूले को इस्तेमाल नहीं किया हमने को देखा जैसे आर्स थे दे वर रिपीटिंग हमने इवन दो वी मेड इट इन वन यूनिट वी हैव टू देम ठीक है क्योंकि वो एक ही जैसे थे कुछ एग्जाम्पल्स और देखते हैं अच्छा इस एग्जाम्पल में हमको बताया हुआ है कि दिस गाय साम ही हैज इलेवन डिफरेंट सीडीज ऑफ डीज सिक्स आर पॉप म्यूजिक थ्री आर जैज एंड टू आर क्लासिकल म्यूजिक तो पहला क्वेश्चन हमसे ये है कि हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ ऑल इलेवन ऑन अ शेल्फ आर देर इफ द जैस आर ऑल नेक्स्ट टू इच अदर तो जैसिज कितनी है तीन जैज की सीडीज है तो so, पहला इसमें हमने काम यह करना है कि आप अगेन मैंने इसे आपसे अच्छा कहा था कि एक डायग्राम से बना लें उसमें आपको आसानी होगी तो so, आपके पास छ छ पॉप म्यूजिक की सीडीज हैं तो उनको मैं कर देता हूं पी वन पी वन थ्रू पी सिक्स पी वन पी टू पी थ्री पी फोर पी फाइव एंड पी सिक्स आपके पास जैस की तीन है और क्लासिकल दो हैं जैस की वन जैस टू जैस थ्री एंड क्लासिकल वन एंड क्लासिकल टू ये आपके पास टोटल ग्यारह सीडीज़ हैं उन्होंने हमसे कहा है कि हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ दिज इलेवन सीडीज़ ऑन अ शेल्फ आर देयर इफ द जेस सीरीज आर ऑल नेक्स्ट टू इच अदर यानि कि ये जो तीन सीरीज हैं जैस की दे हैव टू बी टूगेदर तो ये एक, हमने एक यूनिट बना लिया तो so, अगर ये यूनिट हमने बना लिया तो अब हमारे पास कितने यूनिट रहे वन सिक्स यूनिट हेयर पॉप के जैस को तीनों को कंबाइन करके हमने एक यूनिट बनाया सेवन यूनिट्स एट एंड नाइन यूनिट दो क्लासिकल के ओके तो इन नाइन यूनिट्स को हमने आपस में परम्यूट करना है देर इज नाइन फैक्टोरियल अच्छा देर इज फैक्टोरियल लेकिन क्या हुआ कि जैज सीरीज सीरीज दीज आर डिफरेंट डिफरेंट सिंगर्स की हो सकती हैं डिफरेंट एल्बम्स हो सकती हैं इन जैज की तीन सीरीज को आपस में हमने परम्यूट किया तो देर बी मल्टीप्लाईड फैक्टोरियल सो वट एवर दैट नंबर इज अगेन आई लीव दैट टू यू एज एन एक्सरसाइज कि वो क्या नंबर आ रहा है बड़ा सा नंबर आएगा लेकिन इसमें आप देखें इसमें हम डायरेक्टली उस फॉर्मूले को इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमने पहले इस्तेमाल किया था कि आपके एलेवन यूनिट्स थे इलेवन में से तीन को आपने निकाला तो एट बच गए उन तीन का आपने एक यूनिट बनाया और उसको इन बाकी एट यूनिट्स में शामिल कर दिया तो नाइन यूनिट्स आ गए और उन तीन यूनिट्स के आपस में परमिटेशन हुई वो तीनों परमिटेशन आ गई इसमें हमने थ्री फैक्टोरियल इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि तीन जैस की सीरीज दे आर डिफरेंट सीरीज पिछले एग्जाम्पल में हमने चार आरस को इसलिए नहीं मल्टीप्लाई किया था चार फैक्टोरियल से क्योंकि वो आर थे ऑल आर्स आर द सेम सो so, ये इसका पहले का आंसर आता है अच्छा दूसरे सिनेरियो में उन्होंने पूछा है मेक्स अ सिलेक्शन ऑफ टू पॉप म्यूजिक सीरीज टू जैज सीडीज एंड वन क्लासिकल सीरीज हाउ मेनी डिफरेंट पॉसिबल सेलेक्शन कैन बी मेड अभी सिलेक्शन के बारे में हमसे पूछ रहे हैं तो इसमें कॉम्बिनेशन की बात आ रही है दे नॉट सेइंग जी आप सेलेक्ट करके जैज वन की सीडी डी यहां रखें जैज टू की सीडी डी यहां रखें ऐसा कोई मसला नहीं है दे जस्ट वॉन टू पॉप म्यूजिक टू जया सीरीज एंड वन क्लासिकल सीरीज तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने जब पढ़ते हैं तो यू नीड टू लर्न टू डिस्टिंग कॉम्बिनेशन का आ रहा है अगर अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है तो वी आर टॉकिंग अबाउट कॉम्बिनेशन दिस इज अम्बिनेशन प्रॉब्लम टू पॉप म्यूजिक्स आपने कितने में से सिलेक्ट करनी है आउट ऑफ सिक्स तो आपका इसका आंसर आएगा सिक्स सी टू और कोई भी सिलेक्शन पॉप म्यूजिक का जा सकता है एनी ऑफ द सिलेक्शन ऑफ द जैज देर इज थ्री टू आर ऑफ थ्री सो थ्री सी टू एंड देन फाइनली बोथ दीज कॉम्बिनेशन कैन गो विद एनी ऑफ द क्लासिकल विच इज वन टू सी वन टू सी वन ये अब आपका सिक्स सी टू बन गया सिक्स फैक्टोरियल ओवर टू फैक्टोरियल टाइम्स फोर फैक्टोरियल times 3c2 get 3 factorial over 2 factorial times 1 factorial and 2c banga 2 factorial over 1 factorial times 1 factorial. That is equal to what? 6 factorial over uh, 4 factorial is 30 over 2. 15. 3 factorial over 2 factorial is, is 3. So 15 times 3, 45. And 2 factorial over 1 is 2. 45 times टाइम्स टू इज नाइन्टी सो देर आर नाइनटी सलेक्शन इस शाम के उसको दो जैस की होंगी दो पॉप की होंगी और एक क्लासिकल सी डी होगी तो इस तरह से इस एग्जाम्पल को हमने सोल्व किया और एग्जाम्पल देख लेते ये जरा इंटरेस्टिंग सा एग्जाम्पल है लंबा सा है बट द मोर यू डू इट द मोर यू लर्न किस तरह से आपने इसमें से इंफॉर्मेशन उठानी है और उसको कैसे अरेंज करके आपने फॉर्मूला या कोई और सिस्टम इस्तेमाल करके उसको सोल्व करना है एक तो क्वायर दिया हुआ है हमें सिंगर्स का दैट कंसिस्ट ऑफ थर्टीन सोप्रानोस डिफरेंट टाइप्स के जो उनके रोज होते हैं सिंगर्स के पूरे क्वायर में थर्टीन सोप्रानोस ट्वेल्व ऑल्टोज सिक्स टेनर्स एंड सेवन बासेस अब एक ग्रुप हमने बनाना है उसमें से उस क्वायर में से द ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ टेन सोप्रानोस नाइन ऑल्टोज फोर टेनर्स एंड फोर बैसेज टू बी चोजन फ्रॉम दिस क्वायर तो पहला सवाल यह है कि इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज के अंदर ग्रुप बी चोजन ये एक चॉइस का प्रॉब्लम है यानी कि कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम है इसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि जी सुपरानो एक इसको यहां पे रखना है और दूसरे को यहां पे रखना है ऐसा कुछ नहीं है तो दिस इज अ कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम आपको 13 सुप्रानोज में से 10 चूज करने है ट्वेल्व आल्टोज में से आपको नाइन चूज करने सिक्स टेन में से फोर और सेवन बासिस में से फोर तो पहले इसको कर लेते हैं थर्टीन सी टेन any of the sopranos can go with any of the nine altos. 12 out of 9 12 में से नॉट में चूज करने ट्वेल्व सी नाइन times. फिर आप देख लें six tenors में से four चूज करने सिक्स सी फोर टाइम्स फिर सेवन basses में से फोर आपने चूज करने टाइम्स सेवन सी फोर अच्छा ये कॉम्बिनेशन की प्रॉब्लम है इसको थोड़ा सा करते हैं क्योंकि कॉम्बिनेशन में नंबर्स यूजली छोटे आते हैं तो इसमें एक चीज़ आपको मैं प्रैक्टिस कराऊंगा कि कैसे आप अगर कॉम्बिनेशन आ रहे हैं तो उनमें कैसे आप उसको रिड्यूस करके जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं तो ये आपका आ रहा है थर्टीन फैक्टोरियल ओवर टेन फैक्टोरियल टाइम्स थ्री फैक्टोरियल टाइम्स ट्वेल्व फैक्टोरियल ओवर नाइन फैक्टोरियल टाइम्स थ्री फैक्टोरियल टाइम्स सिक्स फैक्टोरियल ओवर फोर फैक्टोरियल टाइम्स टू फैक्टोरियल एंड सेवन फैक्टोरियल ओवर फोर फैक्टोरियल टाइम्स थ्री फैक्टोरियल इसमें से जो नीचे बड़ा फैक्टोरियल होता है उसको आप ऊपर वाले में से कैंसिल कर सकते हैं तो ऊपर आप सिर्फ लिख सकते हैं थर्टीन टाइम्स ट्वेल्व टाइम्स एलेवन और नीचे आप लिख सकते हैं थ्री टाइम्स टू टाइम्स वन तो क्विकली आप हर उसमें से जो बड़ा फैक्टोरियल है उसको कैंसिल कर दें तो आपका बच जाएगा ट्वेल्व टाइम्स इलेवन टाइम्स टेन डिवाइड बाय थ्री टाइम्स टू टाइम्स वन और इसी तरह सिक्स टाइम्स फाइव डिवाइड बाय टू टाइम्स वन एंड सेवन टाइम्स सिक्स टाइम्स फाइव फोर फैक्टोरियल हमने यहाँ से निकाल लिया तो आपका बच गया थ्री टाइम्स टू टाइम्स वन अब इसमें आपने नंबर थोड़े ऑलरेडी कम कर लिए अब इसमें आप कहीं से भी कोई चीज कैंसिल करना चाहे कर सकते हैं दिस गोज इंटेल्व टू टाइम्स इसी तरह यहां थ्री टाइम्स टू टाइम्स वन इज सिक्स दैट कैन गो इंटू टू हेयर टू गोज इंटू सिक्स थ्री टाइम्स ये आ गया थ्री टाइम्स टू टाइम्स सिक्स दैट गोज इंटू दिस सिक्स ऑल बाईट सेल्फ सो थर्टीन टाइम्स टू टाइम्स इलेवन बेसिकली so आपने अपनी कैलकुलेशन को रिड्यूस कर लिया छोटे नंबर पे उसका कोई आंसर आप निकाल लेंगे दिस आई लीव टू एज एन एक्सरसाइज कि उसको आंसर कैसे निकालना है लेकिन ये आप अगर बहुत सारे कॉम्बिनेशन आपके पास आ जाए तो उसमें रिड्यूस करने के क्या तरीके होते हैं इस तरह से करते हैं दूसरा पार्ट ये इन हाउ मेनी वेज कैन दिन बी अरेज इन दिक्कस यानी कि टेन सप्रानोज तो हमने चूज कर लिए ठीक है उसके बाद चूज करने के बाद उन टेन को हम आपस में कैसे अरेंज करें कि जो छह टॉलस्ट हैं दे ऑलवेज टैन टुगेदर अच्छा छह टॉलस्ट की उन्होंने हमें कोई अरेंजमेंट नहीं बताया कि ये नहीं हो सकता कि इंक्रीजिंग नंबर ऑर्डर में हो या डिक्रीजिंग में दी ओनली थिंग देव इसकी ये छे के छह जो है ना ये सात होंगे बस तो इसमें अब अरेंजमेंट की बात आ गई तो परमिटेशन लगेगा आपने टेन यूनिट्स हैं इसमें हम लिख लेते हैं अगेन सप्रानोस uh, के 10 सप्रानोज हैं आपके पास S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9 फाइव एस इनको हमने रैंडमली नंबर्स असाइन कर दिए सपोज के ये जो वन थ्रू सिक्स थे ये जो थे ये टोलस थे कोई से भी छह जो है टोलस है उनको हमने क्या किया हमने एक यूनिट बना लिया तो दिस इज आर यूनिट यू ये छ के छ अब इकट्ठे खड़े होंगे तो so, हमारे पास टोटल यूनिट्स हमने अरेंजमेंट के कितने रह गए वन टू थ्री फोर फाइव फाइव यूनिट्स हमारे पास अरेंज करने के लिए रह गए देर इज फाइव फैक्टोरियल फाइव फैक्टोरियल लेकिन ये जो छे अब एक यूनिट बनाए ये आपस में भी परम्यूट कर सकते हैं ये भी कोई इनकी भी कितनी अरेंजमेंट आ गई छह फैक्टोरियल एंड एनी ऑफ देयर अरेंजमेंट्स कैन गो विद एनी ऑफ दी बिगर अरेंजमेंट तो फाइव फैक्टोरियल टाइम सिक्स फैक्टोरियल अगेन ये एक बड़ा नंबर आएगा तो आई लीव दैट टू यू एज एन एक्सरसाइज अगेन इसमें जब आप डायग्राम बना लेते हैं तो इट मेक्स थिंग्स ईजियर फॉर यू कि हो क्या रहा है इवन अगर आपको समझ आ रहा है कि सवाल में करना क्या है क्विकली अगर आप डायग्राम बना लेंगे तो गलती के चांसेस में कम होते हैं क्योंकि परमिटेशन कॉम्बिनेशन में अक्सर लोग गलतियां करते हैं तो क्योंकि कोई थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होती है दे मिस आउट तो इसका ये आंसर आ गया दूसरे पार्ट का अब जो तीसरा पार्ट है दैट इज आल्सो क्वाइट इंटरेस्टिंग उसमें उन्होंने लिखा है कि देर फोर टेनर्स एंड फोर बासेस ग्रुप में चार टेनर्स और चार बासेस को सेलेक्ट किया था वी वांट टू अरेंज देम इन अ सिंगल लाइन सो दैट ऑल द टेनर्स स्टैंड नेक्स्ट टू ईच अदर एंड ऑल द दास नेक्स्ट टू ईच अदर

थ्री ऑफ द टेनर्स चार में से तीन ऐसे हैं जो किसी बास के साथ खड़ा ही नहीं होना चाहते तो आप पहले लिख लें टेनर वन टू टेनर थ्री एंड टेनर फोर बैस वन बैस टू बैस थ्री एंड बैस फोर इनकी आपने अरेंजमेंट्स ऐसे बनानी है कि चार टेनर्स साथ हों चार बासेस साथ हों लेकिन क्या कंडीशन है कंडीशन यह है कि थ्री ऑफ द टेनर्स रिफ्यूज टू स्टैंड नेक्स्ट टू एनी ऑफ द बैसेज अब सपोज के वो जो तीन टेनर्स थे वो टी वन टू टी टू एंड टी थ्री थे हो सकते टी फोर टी टी वन टी थ्री और टी फोर हो वट एवर द केसेज हम उनको रीअरेंज कर सकते हैं ठीक है लेकिन द पॉइंट इज एक अरेंजमेंट हमने बनाई तो उसमें यह तीन जो है टी टी फोर की पोजिशन जो है वो फिक्स हो चुकी है बिकॉज ही इज दी पर्सन

वो उनको हम आपस में परम्यूट कर सकते हैं हाउ मेनी अरेंजमेंट आर देयर दैस थ्री फैक्टोरियल और बाकी चार बैसेज उनका तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है वो अरेंज कर सकते हैं फोर फैक्टोरियल तो इसका क्या आंसर आ रहा है इन तीन बैसेस को हम आपस में परम्यूट करेंगे और सॉरी इन तीन टैनर्स को और इन चार बैसेस को इस टैनर की तो पोजीशन फिक्स है ही हैज नो चॉइस ही हैज़ टू स्टैंड नेक्स्ट टू द बैसेज तो इनकी आ गई थ्री फैक्टोरियल और इनकी आ गई फोर फैक्टोरियल थ्री फैक्टोरियल टाइम्स फोर डायग्राम बना लिया है तो इसमें हमें गलती के हमारे कम रह जाएंगे क्योंकि तो आप देख सकते हैं कि हमने ये डायग्राम जिस तरह बनाया है, उसमें हमने टेनर्स को लेफ्ट पे खड़ा किया है बैसेस को राइट right पर खड़ा किया है। लेकिन वाई देर इज देर इज नॉट नेसेसरी ये भी हो सकता था कि बैसिस लेफ्ट पे खड़े हो जाते और टेनर राइट पर खड़ा होता तो

इसमें क्या कितनी अरेंजमेंट बन गए अगेन ये बैसिस आपस में फोर फैक्टोरियल और ये टेनर्स आपस में थ्री फैक्टोरियल सो फोर फैक्टोरियल टाइम्स थ्री फैक्टोरियल तो इसमें हुआ ये कि हमने थ्री फैक्टोरियल टाइम्स फोर फैक्टोरियल टाइम्स टू तो हमने इसको क्या किया कि क्योंकि तो जो अगर टेनर्स के को एक यूनिट देखें और बैसिस को एज अनदर यूनिट देखें तो उन, दोन, उन दोनों यूनिट्स की भी तो आपस में परमिटेशन है टू फैक्टोरियल Basses can stand here, tanners can stand here, or vice versa. So undo kibiapas So this three factorials times two, two factorial arrangements okay times another two factorial. So the answer is two times three factorials times four factorial, which is two times three factorials is six, four factorial is twenty-four. So uh, twenty-four times six times two. ये क्या आ गया फोर्टी एट टाइम सिक्स वट इज दैट एटी टू एटी एट फोर्टी एट टाइम सिक्स इज टू हंड्रेड एंड एटी एट सो टू हंड्रेड एंड एटी एट पॉसिबल एरेंजमेंट आ गई जिसमें थ्री ऑफ द टेन इज रिफ्यूज टू स्टैंड नेक्स्ट टू एनी ऑफ द बैस ये भी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है इसमें आप देख रहे हैं अगेन डायग्राम बना ले तो बहुत चीजें आसान हो जाती हैं डायग्राम नहीं बनाते तो बहुत सारी चीजें हिडन रहती हैं आपसे एंड देन दी अदर थिंग इज डोंट बी हेस्टी आपने इसे पहली लाइन में हमने थ्री फैक्टोरियल फोर फैक्टोरियल निकाल लिया था तो एकदम से ये नहीं कि ये आंसर आ गया आपको सोचना चाहिए कि अच्छा हम उनको आपस में भी तो मूव कर सकते हैं बासिस को इधर टेनिस को इधर कीप दैट कीप ऑल पॉसिबिलिटीज इन द माइंड अच्छा अब ये एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं इसमें हमें बताया हुआ है कि देर आर सिक्स मैन एंड थ्री वेमेन एंड देर स्टैंडिंग इन अपर मार्केट क्यू के लाइन में खड़े हुए हाउ मेनी पॉसिबल अरेंजमेंट्स आर देर इफ देर आर नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन ऑर्डर कितनी पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं कितने लोग हैं छ आदमी हैं तीन औरतें है. और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो देर आर नाइन पीपल हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट दीज आर नाइन डिफरेंट पीपल नाइन फैक्टोरियल तो पहले का आंसर बड़ा सिंपल सा आ गया फैक्टोरियल इसको आप देख लें कि कैलकुलेटर से कि ये क्या आता है बड़ा सा नंबर आ जाएगा अच्छा दूसरा जो पार्ट है वो कह रहे हैं हाउ मेनी पॉसिबल देयर इफ नो टू ऑफ आर स्टैंडिंग नेक्स्ट टू इच अदर अब उन्होंने कंडीशन दे दी है कि नो टू ऑफ द वुमेन कैन स्टैंड नेक्स्ट टू इच अदर सिक्स मैन एंड थ्री वुमेन अगेन इसमें मैंने आपको इससे पहले बताया एक डायग्राम सा बना लें छह लोग हैं छह आदमी है, तो उनको मैं कह रहे था हूं मैन वन मैन टू मैन थ्री मैन फोर मैन फाइव एंड मैन सिक्स अब अरेंजमेंट्स कुछ ऐसी होनी चाहिए कि जो तीन लेडीज हैं तीन वुमेन हैं दे कैन स्टैंड है बट नो टू वुमेन कैन स्टैंड टूगेदर तो क्या पॉसिबिलिटीज हैं इसका मतलब है कि बिटवीन एनी टू वुमेन देर शुड भी एटलीस्ट वन मैन तो वुमेन की पॉसिबल पोजिशन ये आ गई

सेवन प्लेसेज वे शी कु वन शी स्टैंड इन वन ऑफ दी सेवन प्लेसेज फॉर द रिमेनिंग टू वन द नंबर ऑफ प्लेस लेफ्ट इज सिक्स सो जो नेक्स्ट वुमेन होगी शी कैन स्टैंड इन सिक्स ऑफ दीज प्लेसिस सो सेवन टाइम्स सिक्स आ गया उसके बाद कितनी प्लेसेस बच गई पांच प्लेसेस बच गई वन वुमेन बच गई देर वेमेन कैन स्टैंड इन दीज फाइव प्लेसेस सेवन टाइम्स सिक्स टाइम्स फाइव इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि आपके सेवन स्लॉट्स uh, है उसमें आपने तीन चीजों को अरेन्ज करना है तो सेवन पी थ्री सेवन पी थ्री इज अगेन सेवन टाइम सिक्स टाइम्स फाइव फिक्टोरियो टाइम्स फाइव तो यह तो आगी अरेंजमेंट ऑफ द थ्री वेमेन दे कैन स्टैंड इन दीज से प्लेसेस Now, these six men that they're standing, the six men can also permute within these fixed positions. How many permutations are there for the six men? Six factorial. Six different men in six different slots, they can, they can stand in six factorial ways. Now, uh, each of these arrangements of, this, of men can go with any of the arrangements of the women. So, we have multiply each. So, 7p3.

इसमें सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि हम अरेंजमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं कि कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं ठीक है इसमें आप देखें ऑर्डर नहीं इंपॉर्टेंट उन्होंने कहा हमको तीन लोग चूज करने हैं कोई से भी तीन लोग आ जाए ठीक है तो इसका मतलब हुआ कि वी आर टॉकिंग अबाउट कॉम्बिनेशन अच्छा उसमें एक जो एडिशनल कंडीशन उन्होंने ये लगाई है कि हमको तीन लोग तो चूज करने हैं इन नौ लोगों में से लेकिन इस तरह से कि उन तीन लोगों में से कम से कम दे शुड बी वन वमेन एटलीस्ट वन वूमेन इसका मतलब है इस इस प्रॉब्लम को हम दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं कॉम्बिनेशन है की प्रॉब्लम आप देखेंगे इसको दो तरीकों से हम सॉल्व कर सकते हैं कि एटलीस्ट वन वोमेन का क्या मतलब हुआ कि तीन में से या तो एक होगी वोमेन और दो आदमी होंगे या दो वोमेन होंगी एक आदमी होगा या तीनों वोमेन होंगी और कोई आदमी नहीं होगा ये तीन पॉसिबल सनेरियोज हैं इनको आपस में हम ऐड कर देंगे तीनों पॉसिबिलिटीज को एक तो पॉसिबिलिटी ये आ गई एटलीस्ट तो so, आप कहेंगे एग्जैक्ट वन वोमेन इसकी पॉसिबिलिटीज क्या है आउट ऑफ थ्री आई एम गोइंग टू चूज वन वोमेन एंड आउट ऑफ सिक्स मैन आई एम गोइंग टू चूज टू मैन ये क्या बन रहा है आपका इसको आप कैलकुलेट uh, करने रहे हैं देर इज थ्री सी वन इज थ्री फैक्टोरियल ओवर वन फैक्टोरियल टाइम्स टू फैक्टोरियल टाइम्स सिक्स सी टू इज सिक्स फैक्टोरियल

एक से कम नहीं हो सकती तो दू दूसरा केस हमारा है टू वुमेन नंबर ऑफ वेज फॉर टू इज़ आउट ऑफ थ्री आई एम गोना चूज टू ऑब्वियसली तीन की तीन का ग्रुप है उसमें से अगर दो वुमेन है तो छह में से देयर शुड बी वन मैन दैट विल बी थ्री फैक्टोरियल ओवर टू फैक्टोरियल टाइम्स वन फैक्टोरियल टाइम्स सिक्स फैक्टोरियल ओवर फाइव फैक्टोरियल वन फैक्टोरियल थ्री सी टू इज थ्री सिक्स सी वन इज सिक्स थ्री टाइम्स सिक्स इज एटीन या आपका आगे एटीन ये पॉसिबिलिटी भी है तीसरी पॉसिबिलिटी है कि तीनों वुमेन हो थ्री वुमेन ये भी एक पॉसिबिलिटी है यानी के थ्री सी थ्री ऑल थ्री आर वुमेन एंड ऑबियसली अगर तीनों वेन है तो ऑबलीसरोसो इज वन थ्री सी थ्री इज वन सो वन टाइम्स वन इज वन तो अब आपके पास आपने तीन केसेस बना लिए हर केस के आपने नंबर ऑफ सेलेक्शन निकाल ली तो टोटल नंबर ऑफ सेलेक्शन क्या आएंगे उनको आप एड कर लेंगे फोर्टी फाइव प्लस एटीन सिक्सटी थ्री प्लस वन सिक्सटी फोर तो हमारे पास सिक्सटी फोर पॉसिबल कॉम्बिनेशन आ जाएंगे जिसमें हम तीन लोगों को सेलेक्ट कर सकते हैं गिवन दैट एटलीस्ट वन वोमेन शुड बी सिलेक्टेड तो हमने तीनों पॉसिबिलिटीज निकाल ली एग्जॉस्ट के लिए और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है आप देख लें नहीं है ठीक है अच्छा इस तरीके इसको हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं इसमें प्रॉब्लम लॉजिक की भी आ जाती है कि हमने निकालना है एटलीस्ट वन वोमेन तो अगर हम ये निकाल लें कि ऑल थ्री आर मैन विच मीन जीरो वोमेन ऑल थ्री आर मैन वो पॉसिबिलिटी हम निकाल लें और फिर हम एक पॉसिबिलिटी निकाल लें कि देर इज नो रिस्ट्रिक्शन यानी कि नाइन सी थ्री निकाल लें अगर हम यानी कि नौ लोग हैं उनमें से हमें तीन सेलेक्ट करने हैं देर आर नो रिस्ट्रिक्शन सो उसमें देर इज द टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन नाइन सी थ्री उसमें से अगर हम निकाल लें कि ऑल थ्री आर मैन और सब कर दें टोटल में से द पॉसिबिलिटी ऑफ ऑल थ्री बींग मैन तो हमारे पास जो बाकी पॉसिबिलिटीज बच जाएंगी वो क्या बच जाएंगी वो बच जाएंगी दैट एमलीस्ट वन ऑफ दम इज अ वेन तो इसमें इस तरीके से करके देखते हैं कि इसको कैसे करना है तो सेकेंड मेथड इसका देख लेते हैं क्या करने का है इसमें हम पहले क्या करेंगे कि हम निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ वेज विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन देर इज नाइन सी थ्री नौ लोगों में से आपको तीन चूज करने विच इज इक्वल टू नाइन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय थ्री फैक्टोरियल टाइम्स सिक्स फैक्टोरियल वट इज दैट दैर इज अगेन जो मैंने आपको तरीका बताया कि इसमें से जो सिक्स फैक्टोरियल है वो आप निकाल देंगे तो आपका बजेगा नाइन टाइम्स एट टाइम्स सेवन और नीचे आपका बज रहा है सिक्स फैक्टोरियल निकल गया थ्री टाइम्स टू तो थ्री टाइम्स थ्री इज नाइन टू टाइम्स फोर इज एट तो आपका क्या बज कितने तरीके बन गए Three times four times seven, seven times uh, yeah. Three times four is twelve. Twelve times seven is eighty-four. Twelve times seven is eighty-four. ये have a total number of ways that I can select peop, uh, three people out of nine. Now I'm going to do uh, do the uh, possibility that all three are men. All three are men. That means there are no women in there. So 3C0, no women, and 6C3, three men out of six. Okay, what is that equal to? That is 3C0 is 1. 6C3 is 6 factorial divided by 3 factorial times 3 factorial, which is 6 times 5 times 4 divided by 3 times 2. थ्री टाइम्स टू इज सिक्स ये सिक्स को कैंसिल कर देंगे फाइव टाइम्स फोर इज तो दिस इज द पॉसिबल नंबर ऑफ वेज के कोई भी वुमेन सेलेक्ट नहीं होगी दिस इज द टोटल नंबर ऑफ वेज तो ऑब्वियसली अगर टोटल नंबर ऑफ वेज में से हम वो सारे पॉसिबिलिटीज निकाल लेंगे कि जिसमें कोई भी औरत शरीक नहीं हुई तो हमारे पास जो बाकी पॉसिबिलिटीज बच जाएंगी उसमें होगा कि एटलीस्ट एटलीस्ट वन तो शाम, शामिल हुई तो एटलीस्ट वन वुमेन

मेथड यू प्रीफर लेकिन इसमें लॉजिक अगर आप इस्तेमाल करें तो इसमें तो सिर्फ देर ओनली थ्री वोमेन हेयर लेकिन इफ देर आर टोटल हमने जो लोग निकालने हैं वो हैं ट्वेंटी आउट ऑफ बहुत सारे लोगों से तो उसमें हम सारे केसेस तो नहीं बना सकते ना आउट ऑफ ट्वेंटी हम निकालेंगे वन और टू और थ्री और फोर और फाइव और सिक्स वो ऑल द वे टू ट्वेंटी तो उन इस किस्म के में इट इज़ बेटर कि आप टोटल निकाल लें और उसमें से जो छोटा वाला पॉसिबिलिटी है उसकी कॉम्बिनेशन निकाल लें और उसमें से सेलेक्ट करें तो आपको पूरा आ जाएगा इसका अच्छा अब ये हमने मुख्तलिफ़ किस्म के सेनेरियोज uh, देखे थे जिसमें हमने परमिटेशन और कॉम्बिनेशन की रिविजन की तो आई होप के इट इज़ यू नो नाउ यू बिकमिंग मोर फेमिलियर विद इट कि इनको कैसे इस्तेमाल करना है एंड आई होप यू कंटिन्यू टू प्रैक्टिस द मोर यू प्रैक्टिस द बैर यूल गेट नेक्स्ट टॉपिक जिसको हम रिव्यू करेंगे वो है बायनोमियल थ्योरम ये शॉर्ट सा टॉपिक था इसमें हमने एक्सपेंशन करनी है एक्स प्लस वाई टू द पावर एन सो इफ यू रिमेंबर जो बायनोमियल थ्योरम की स्टेटमेंट थी उसके दो पार्ट्स थे पहला तो उन्होंने फार्मूला हमको बता दिया कि व्हाट इज एक्स प्लस वाई टू द पावर एन वेर एन इज एनी नेचुरल नंबर सो उसका हमने दिखा था एन सी जीरो एक्स एन प्लस एन सी वन एक्स एन माइनस वन टाइम्स वाई सो ऑन तो उसका जो फॉर्मूला है उसको अगर आप गौर से देखें उसको याद करने का तरीका क्या है कि स्टार्ट होता है एनसी जीरो से के उसके क्वेन बाई एनसी जीरो नंबर you know, है तो पहला क्वेश्चन है एनसी जीरो एन रिप्रेजेंट दावर ऑफ वी आर एक्सपेंडिंग और द पावर ऑफ द बायोनोमियल उसके नीचे जो नंबर है आर दैट रिप्रेजेंट्स द पावर ऑफ वाई जो दूसरी टर्म है बायनोमियल की उसकी रिप्रेजेंट कर रहा है पावर और उसके ऊपर एक्स टू दावर एन माइनस आर है दैट रिप्रेजेंट द पावर ऑफ एक्स तो अगर आपने देखना है इसकी एक जेनरल टर्म बायोनोमियल थियोरम की तो दैट विल बी एक्स एन सी के एक्स टू द पावर एन माइनस के एन वाई टू द पावर के ये जनरल टर्म है इसका मतलब है दिस इज केथ टर्म ऑफ द फर्स्ट टर्म में आपके क्या है और आप स्टार्ट होते हैं जो पहली टर्म है उसकी मैक्सिमम पावर लेते हैं एक्स टू द पावर एन से आप स्टार्ट करेंगे और ग्रेजुअली एक्स की पावर कम होती जाएंगी और वाई की बढ़ना शुरू हो जाएंगी दूसरी टर्म में वाई की पावर बढ़ जाएगी एक्स की कम हो जाएगी एन माइनस वन एन सो ऑन तो जो क्विशेंट है उसका जो नीचे नंबर है आर या के वट एवर सिंबल आप यूज कर रहे हैं दैट रिप्रेजेंट द पावर ऑफ वाई और बेसिकली फिर एन माइनस आर विल बी द पावर ऑफ एक्स ये आपको चीज याद रखनी है तो इसके डिफरेंट सिनेरियोज़ हैं इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले एग्जाम्पल में हमको पता करना है कि वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द कोफिशंट ऑफ एक्स स्क् एक्सपेंशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन एक्स ओवर टू प्लस टू ओवर एक्स द पावर सिक्स इसको हमने एक्सपेंड करना है अब इसमें एक तो आपके पास चॉइस ये है कि आप पूरा बायोनोमल थ्योरम लगाएं और पूरी छ की छ उसकी सारी टर्म्स जो है सात की सात टर्म्स वो लिख लें आप और फिर उसमें से आप देख लेंगे एक्स की कौन सी टर्म आ रही है एक तो ये पॉसिबिलिटी है लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी है कि अगर आपको उन्होंने सिर्फ कोफिशन पता करना है उस टर्म का जहां पर एक्सक्वेर आ रहा है तो अगर आप इनकी फॉर्म को देखें तो जो पहली टर्म है दैट इज एक्स ओवर टू और दूसरी टर्म है टू ओवर एक्स ऑब्वियसली तो दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी ठीक है अगर आप चाहें तो इसको आप इसको कैपिटल एक्स लिख लें और इसको कैपिटल वाई लिख लें तो आपको बेसिकली एक्सपैंड करना है कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई रेस टू तो द पावर सिक्स अब वो आपको से एक्सपैंड करना है कि एक्स स्क्र कब आएगा एक्स स्क् उस वक्त आएगा जब यहां पे पावर होगी इस एक्स की और इस एक्स की पावर टू होगी क्योंकि जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई भी टर्म इसकी कैसे आ रही है इसकी टर्म्स आ रही हैं जनरल टर्म इज एन सी आर एक्स टू द पावर एन माइनस आर वाई टू द पावर आर और आर यहां पे एन हमारा सिक्स है सो तो ये आपका आ गया सिक्स सी आर एक्स टू द पावर सिक्स माइनस आर एन वाई टू द पावर आर तो आप देखेंगे कि हम दोनों इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक्स और वाई टर्म को विच इज वेर एक्स इज दिस वाई इज दिस वाई में जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की पावर टू कब होगी जब इस की पावर फोर होगी और इसकी पावर टू होगी क्योंकि फोर डिवाइड बाई टू इज टू पावर एक्स टू द पावर फोर डिवाइड बाई एक्स टू द पावर टू इज इक्वल टू टू तो अब ये कौन सी टर्म आएगी कि इसकी पावर होनी चाहिए टू यानी कि आर मस्ट बी टू So we are looking for the term 6c uh, 2 x to the power 4 y to the power 2. A values are 6c 2 x to the power 4 y to the power 4. 6 c 2 x is what? x is small x over 2. So small x over 2 ki power 4 times y is 2 over small x 2 over x e power. Now have to simplify 6 C e 2 is 6 factorial over 2 factorial times 4 factorial x to the power 4 over 2 to the power 4 is x to the power 4 divided by 2 to the power 4 is 2 times 2 is 4 8 16. टाइम्स टू टू दावर टू इज फोर डिवाइड बाई एक्स टू दावर टू इज एक्स स्क् आप देखेंगे यहां पर सबसे पहली चीज तो नोट की एक्स टू दावर फोर ओवर एक्स स्क्र हमारा एक्स स्क्र आ गया अब बाकी चीज को आपने सिंप्लीफाई करना है उन नंबर्स निकालने सिक्स विक्टोरियल सिक्स टाइम्स फाइव इज थर्टी थर्टी ओवर टू इज फिफ्टीन फोर फैक्टोरियल फोर फैक्टोरी कैंसल हो गया टाइम्स वन ओवर सिक्सटीन राइट टाइम्स फोर और आपके पास बच गया एक्स फोर ओवर एक्स टू इज एक्स स्क्वेड इसको आपने निकालना है तो फोर जाता है सिक्सटीन में फोर टाइम्स तो दैट बिकम्स फिफ्टीन ओवर फोर एक्स स्क्वेड तो हमने एक्सक्वाइड का कोफिशन निकाल लिया फिफ्टीन ओवर फोर तो इस एग्जाम्पल में आपने देखा कि इंस्टेड ऑफ अपलाइंग द होल बायोमियल थियोरम एंड एक्सपेंडिंग द होल थिंग वी रीजन आउट कि उसकी एक्सक्ट टर्म कौन सी टर्म होगी और सिर्फ उस टर्म पे हमने फोकस करके उसका क्वेश्चन निकाल लिया वी विल कंटिन्यू विद दिस बायनोमियल थियोरम इसके हम एक दो एग्जाम्पल्स और देखेंगे उसके बाद कोऑर्डिनेट जोमेट्री की तरफ जाएंगे बट वी विल कंक्लूड Today's lesson here, and we'll next time, inshallah, talk about continue to talk about the binomial theorem.